जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं बगीचे में, और बगीचे में आप देख रहे होंगे कि ये सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही गजब का इन्वायरमेंट लग रहा है, और उसके साथ साथ इस टाइम आम का सीज़न, अब देख रहे होंगे मेरे हाथ में आम पड़े हुए हैं, लोग आम खा भी रहे हैं, कुछ तोड़ के रखे भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आम कैसे लगे हुए हैं, अब देख रहे होंगे ये सारे, है ना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी ये हवा जो चल रही है ये लाजवाब किस्म की, और लग रहा है कि हाँ अगर गांव में रहो तो कितना अच्छा लगता है। और लोग जानते भी हैं कि गांव का इन्वायरमेंट कैसा होता है, गजब का एकदम। देख रहे होंगे कि एकदम चप्पल उप्पल निकाल के सब केवल मस्ती चल रही है, और कुछ हमने तोड़ के भी रखे हुए हैं, ये खाने के लिए है। तो करते हैं यहाँ पे मस्ती, और उसके बाद फिर निकलते हैं। ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ईंटे चल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ईंटा फायरिंग हो रहा है। तो कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती आम की, एक हिसाब से कहा जाए तो यहाँ पे चोरी हो रही है आमों की, बट ये चोरी कहीं और नहीं, अपने घर पे ही हो रही है, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना। और देख रहे हैं ढेर इकट्ठा हो रहे हैं, और यही अभी चलेंगे घर पे। तो यहाँ पे देखते रहे कैसे हम लोग मस्ती करते हैं, ब्लॉग में बन रहे हैं, और काफ़ी मज़ा करते हैं। आज शादी का लास्ट डे, क्योंकि कल तो बारात से रात में आए थे, इस वजह से ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, वहीं पेंट करना पड़ा था। और आज यहाँ से अभी घर पे तैयारी हो रही है, हम लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ से भी मस्ती वगैरह करने के बाद फिर चलेंगे घर पर, और घर पर फिर करते हैं मस्ती, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो बन रहे ब्लॉग पर और करते रहे इंजॉय। फाइनली डेज वहाँ से हो चुके हम लोग रुखसत, और रुखसत होने के बाद यहाँ हम लोग हैं रास्ते में। तो रास्ते में आप लोग देख रहे होंगे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं बस्ती सिटी के अंदर, वहाँ पे भी 2 से 3 दिन तक रहना है, वहाँ पे भी करते हैं मस्ती, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो ब्लॉग में बने रहे और करते रहे मस्ती, आगे कंटिन्यू। एंड जो भी चीज़ अच्छी लगे उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पे क्या सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये विलेज एरिया बहुत ही शानदार इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और काफ़ी कुछ अच्छा देखने को भी मिला है। तो फाइनली डेयर्स घर पे पहुँच चुके हैं, घर पे पहुँचने के बाद फ्रेश भी हो चुके हैं, और फ्रेश होने के बाद नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं ना, हर चीज़ एकदम फ्री हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं रास्ते में आते आते थकान भी हो चुकी थी, और आप लोग खुद ही जानते हो कि वहाँ पे कितनी मस्ती हमने की, मस्ती के साथ साथ खेतों में ईंटे की फायरिंग भी हो रही थी। फायरिंग कहाँ पर हो रही थी वो तो आप खुद ही देते हैं आम, और कहीं ना कहीं ढेर सारे आम हमने तोड़े भी हैं, बट लाए नहीं वहाँ से क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं रास्ते में आते थे थकान हो चुकी थी कुछ ज़्यादा ही, और रास्ते में सो भी गए थे हम, सो इसलिए आए सबसे पहले, फ्रेश हुए हैं। फ्रेश होने के बाद अब जाके थोड़ी सी राहत मिल रही है, थोड़ा सा कंफर्ट फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भीड़ में शादी में बहुत ही ज़्यादा मज़े किए, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर, बारात में भी मज़े आए काफ़ी ज़्यादा है। और अब तो खैर घर पर आ चुके हैं, अब कुछ आगे करने का सीन नहीं है, बट वीडियो कैसा रहा ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, है ना। और शादी में कैसी कौन सा चीज़ सबसे बेस्ट लगा वो भी ज़रूर करके बताएं, और कहीं ना कहीं आपके कमेंट की हमें नीड रहती है, क्योंकि आपके कमेंट हमारी जान होती है। तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद भी आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।